Hey guys, welcome back to another video. तो कैसे आप, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसको खुद से ही हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और हम जानते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी क्या है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी गाड़ी में आ चुका है एक बहुत बड़ा डेंट, साइड में आया तो काफी टाइम से है। आज हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये खुद से निकल जाता तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं निकलता तो हमको बाहर से काम इसको करवाना ही पड़ेगा। पहले मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ कि ये इसका डेंट अंदर की साइड से निकल जाता है। नहीं निकलता डोर पैनल खोल के, डोर वाला पैनल जो होता है उसको खोल के अगर निकल जाता है पीछे से पुश करके तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता तो हमें वो बाहर से ही करवाना पड़ेगा। अदरवाइज हम इसकी मतलब अपने तरफ से कोशिश करने वाले कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। चलो हम देखते हैं कि इसमें क्या रहता है, निकलता है नहीं निकलता। हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको बाहर दिखाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अपनी गाड़ी पे देखिए डेंट आ चुका है, ये दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। वो सामने से दिखाता हूँ कि दिखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये इधर से ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है इसका बिल्कुल अंदर घुसा हुआ, एक खंभे लग गई थी। ये देखिए ऊपर से भी और ये नीचे से भी, ये दोनों जगह लगी हुई है। हम इसके जो अंदर ये अंदर वाला पोर्शन है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं हम, ये निकलता है नहीं निकलता। तो गाइस उसके लिए हमें सबसे पहले ये खोलना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये इसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकल के हाथ में आ जाता है, इसको साइड में रख देते हैं और एक बार इसको और निकालने की ट्राई करते हैं। हाथ से निकल जाता है तो अदरवाइज नहीं, फिर कम को थोड़ा करना पड़ेगा जुगाड़ निकालने के लिए। इसके अंदर लॉक्स रहते हैं, उन लॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। एक बार इसको निकाल लेते हैं आराम से। तो गाइज अपना ये भी निकल चुका है, इसको साइड में रख देते हैं इसके अंदर। अब हमें क्या खोलना है, अबे हमें ये वाला पूरा पैनल अपना बाहर निकालना है। तो इसको ये भी बिल्कुल आराम से निकल जाता है, इसको यहाँ से इसके लॉक्स रहते हैं, ये अंदर लॉक्स जो लगे हुए हैं इनको सब को एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ, ये इजीली हो जाता है, बस इसको हल्का सा खींचना पड़ता है। मैं इसको पूरे को उतार लेता हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस अपना ये बाहर निकल चुका है पूरा पैरल, एक बार मैंने आपको भी दिखाते हैं। ये लॉक जो काम नहीं करते थे कैसे इसको ठीक करते हैं। आज हम इसका अंदर से देखने वाले कि कहाँ से ये बैंड हो रखा है, फिर उसके बाद इसको अपना ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस साइड से जो ये हिस्सा दिख रहा था ये पूरा इसका बैठा हुआ है, बाहर की साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला हिस्सा पूरा बैठा हुआ है, इसको अंदर की साइड से हम हाथ से अंदर की साइड से इसको दिखाने वाले बाहर की साइड। बाहर मतलब कि अंदर की साइड, जो अंदर वाली साइड है अपनी, इस साइड से हम प्रेशर लगाने वाले हैं इसका, ताकि ये थोड़ा सही उधर चला जाए। ये तो बहुत टाइट हो रखा है, हाथ से तो जा ही नहीं रहा। एक बार थोड़ा और प्रेशर से लगाने वाले हैं, एक बार दोनों हाथ लगाने वाला हूँ। कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, एक सेकंड मैं इसको करता हूँ आपसे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ बाहर निकला या नहीं निकला। तो गाइस देखिए हाथ से अंदर से प्रेशर देने के बाद हल्का सा बाहर तो आया है। ये देखिए पहले से काफ़ी बैठ रहा है, पर इस हम इसके ऊपर जैसे प्रेस करते हैं ना दोबारा से अंदर चला जाता है। ये देखिए इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा ना यहाँ पे अंदर की साइड से हमको कुछ ठोकना पड़ेगा इसको प्लास या हथौड़े से, उसके बाद ये शायद ठीक हो जाए। एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो अभी मैकेनिक के पास इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो फाइनली गाइज हम दोनों चीज़ लेके आ चुके हैं, ये है थोड़ा छोटे वाला और ये प्लास है, इसको दोनों साइड लगा के बार ट्राई करते हैं मारने की अगर लगता है तो, क्योंकि ये ऐसी जगह से घुसा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हथौड़ा, ये प्लास चलेगा भी नहीं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से बैंड हो रखा है। यहाँ पे हमको थोड़ा मारना पड़ेगा इस साइड से, शायद उसके बाद ये ठीक हो जाए। देखते हैं ट्राई करके, अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज आप देखिए मैंने इसको इधर से हथौड़े से अंदर से अंदर की साइड से थोड़ा मारा है, तो देखिए यहाँ से बिल्कुल थोड़ा पहले से काफ़ी ठीक हो गया है, ये अंदर नहीं जा रहा। पहले प्रेस करने के बाद यहाँ से अंदर कुछ जाता था, अब ये अंदर नहीं जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से निकला हुआ था, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे मैंने हथौड़ी से इसको मारा है, यहाँ से अच्छे से ये थोड़ा बाहर से ठीक तो हो गया है, पर हल्का सा पेंट इसका
उखड़ने लगा। देखिए ये पेंट यहाँ से उखड़ सा गया है, हमको यहाँ पे इसको इस हिस्से में और एक इस हिस्से में पेंट करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस देखिए अपना ये बिल्कुल ही यहाँ से नॉर्मल हो गया, बस हल्का सा ये ऊपर की तरफ रह गया है, ये वाला हमको बाहर से ही करवाना पड़ेगा। अदरवाइज जितना हमसे हो सकता था इधर से पुश करके जितना निकल सकता था निकल चुका है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कैसा होता है। तो गाइस देखिए दूसरी साइड से कुछ ऐसा होता है दिखने में, पहले भी एक बार लगा हुआ इधर से देखिए हल्का सा दिख रहा है, फिर दूसरी साइड से बिल्कुल ऐसा होता है जो कि हमने खुद से ही रिपेयर करने की कोशिश की जो हमसे इतना रिपेयर हो पाया है। देखिए पहले से काफ़ी बेटर है क्योंकि पहले आपने देखा था बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। और हम अब इसके देखते हैं अंदर की साइड से कहाँ कहाँ से क्या सीन है। ये देखिए इसके अंदर से कुछ ऐसा होता दिखने में, और ये वायरिंग वगैरह गई हुई है, पता नहीं किस चीज़ की वायर है, डोर लॉक्स की है शायद। ये इसके अंदर से कुछ ऐसा है देखिए इस साइड से, और तो कुछ इसमें है नहीं खास। अब इसके बाद इसके पैनल को लगाते हैं, देखिए ये वाला पैनल इसका, ये इसको लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी कि कैसी लुक आती है। तो गाइज अपना फाइनल लुक कुछ ऐसा है डेंट निकालने के बाद, खुद से घर पे ही डेंट निकालने के बाद, और ये कुछ ये रह गया है, यहाँ पे हम पेंट मार देंगे, लेके लाएंगे पेंट और यहाँ पे कर देंगे, ये हल्का फुल्का तो शो नहीं होगा उसके बाद। और ये अपना ये डेंट कुछ ऐसा निकल चुका है, पहले जो बहुत बड़ा डेंट था। तो गाइज आपने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी का डेंट कैसे निकाला है, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं था निकालना, आराम से निकल गया। मैं सोचा था कि कुछ पेंट वेंट उतर जाएगा अंदर से, मैं उसको क्या बोलते हैं थोड़े से अगर मारूंगा तो उस साइड का पेंट वगैरह कुछ डैमेज हो जाएगा, पर उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का फुल्का हुआ है। वो हम बाद में स्प्रे पेंट से या फिर कोई और पेंट ला के उसको वहाँ से फिल कर देंगे जितना भी पेंट हमारा उतरा है। अदरवाइज अपना जो था कि डेंट निकालना, मेन अपना पर्पज ये था कि आज हम इसका घर पे ही डेंट निकाल लें, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, तो वो बिल्कुल आसानी से हमने निकाल दिया है। डोर पैनल आपको मैंने पहले वीडियो में खोलना सिखाया था कि डोर पैनल कैसे खुलते हैं, मैंने उसको खोला और बिल्कुल आराम से अपना वो हाथ में मतलब डोर पैनल निकल के हाथ में आ गया। उसके बाद हमने उसको अंदर की साइड से पुश किया है, उसके बाद हल्का फुल्का प्लास से और हथौड़ी से उसको मारा है ताकि वो डेंट दोबारा से प्रेशर डलने के बाद दोबारा से नहीं हो जाए उस साइड, क्योंकि ये जब डेंट आया ये खंभे में गाड़ी लग गई तो उसके बाद ये पूरा डेंट एक साइड पड़ गया था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। अपनी पूरी टाटा नैनो बिल्कुल साफ सुथरी है और वो हल्का सा डेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, इसलिए हमने उस डेंट को घर पे ही निकालने की आज कोशिश की और अपनी कोशिश सफल भी हुई है। कोशिश करने के बाद अपनी कोशिश सफल भी हो गई है, अब वो थोड़ा दिखने में ज़्यादा सही लग रहा है पहले से। गाइस अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए हो जो आप खुद सही कर सके, आपको पता ना हो, हल्का फुल्का यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सके कि ये चीज़ें कैसे ठीक होती है सॉल्व होती है, तो आप इसको घर पे ही कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास आपको बाहर जाना पड़ेगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, जिनको टाइम नहीं लग रहा बाहर जाने का, सोचते खुद ही घर से कर सके कर पाए इस चीज़ को ठीक, और ना ही हमारा कुछ पैसा वैसा लगा, क्योंकि इसको करना बहुत ही ज़्यादा ईजी। अगर हम इसको बाहर जाके कहीं मिस्त्री से निकलवाते हो इसके आराम से 300-400 रुपये आराम से ले लेता, और ठीक है तो हमने अपने 300-400 रुपये बचा लिए। अगर आप भी बचाना चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें आप घर पे ही कर सकें तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्त के पास अगर किसी गाड़ी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रखी है, नहीं तो अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती हमको मिस्त्री के पास लेके जाना ही पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, उससे पहले हम क्यों ना खुद ही ट्राई कर लें, क्योंकि इसमें कुछ ख़राब तो होना नहीं है, अगर ख़राब हल्का फुल्का हो भी गया तो हम इसको बाहर जाके ठीक रिपेयर करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर ये रिपेयर हो जाता है खुद से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं हम अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जो मैं आप लोगों के सामने कुछ दिनों में लेके आने वाला हूँ, वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है, उस वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।